प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीत दर्ज की है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 2,14,440 मतों से हरा दिया है। जोधपुर में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल है और इसी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत से एवन टीवी के संवाददाता ने खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। जोधपुर संसदीय क्षेत्र से जीतने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। एवन टीवी की तरफ से पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। खूब धन्यवाद आप सबको, शुभकामनाओं के लिए खूब धन्यवाद। सर जिस तरह की जीत रही है, काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला और एक हॉट सीट इसको घोषित कर दिया गया था देश में, कहा जा रहा था कि एकदम देश की सबसे हॉट सीट मानी गई तो ये मानी गई। इधर मोदी जी थे, उधर मुख्यमंत्री जी थे और एक आप इस तरह से चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गए थे जिस तरह से कि कभी सांस लेना भी बंद कर दिया, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेके? निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि चुनौती बहुत बड़ी कोई नहीं थी, लेकिन जिस तरह से स्पीड ब्रेकर्स क्रिएट किए जा रहे थे प्रशासनिक अमले को काम में लेकर के, उसका दुरुपयोग करके, उसके कारण से कई जगह समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो हमने भी जितना अपेक्षाकृत काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम करने का प्रयास किया और हर ऐसे व्यवधान पे, हर ऐसे स्पीड ब्रेकर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से और कमिटमेंट को स्ट्रांग करते हुए मुट्ठियाँ भींच करके काम किया तो मेरा भी उत्साह और विश्वास और बढ़ा। जहाँ तक परिणाम का प्रश्न है, मैंने जिस दिन टिकट मिला था उस दिन भी आप सब मीडिया के मित्रों को कहा था कि एक विश्वास को लेकर के देश की आम जनता, देश का आम जनमानस जो है वो माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि निर्विवाद रूप से, निर्विकल्प रूप से केवल मोदी इस देश को सुरक्षित, सक्षम और समृद्ध देश बना सकता है। पूरे देश भर में एक उत्साह था, पूरे देश भर में एक विश्वास था और मैंने उस दिन कहा था कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, राजस्थान में 25 सीटें जीतेंगे। शायद कई सारे ऐसे मीडिया के मित्र थे जिनको इस बात पर विश्वास भी नहीं होता था, भरोसा भी नहीं होता था और उन्होंने कहा था कि ऐसी परिस्थिति देश में, प्रदेश में दिखाई नहीं देती है। इसके साथ साथ में हमने ये भी कहा था कि हम जोधपुर जीतेंगे और जोधपुर में 8 विधानसभाओं में जीत दर्ज करेंगे। मैंने नॉमिनेशन के दिन जब ये बात कही थी तो शायद बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का कि उन्होंने मुझे स्नेह और आशीर्वाद दिया, मेरी पार्टी की विचारधारा में विश्वास व्यक्त किया और हम सब के नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की, जिसके कारण से ये ऐतिहासिक परिणाम आया। ये थे केंद्रीय कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह जी जो मोदी सरकार में एक बार फिर मंत्री बनने जाएंगे। दयाल सिंह, एवन टीवी, जोधपुर।